श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। मेरे पास ढेरों प्रश्न आ रहे थे पीरियड्स और पशुपति व्रत को लेकर, क्योंकि सभी लोग पशुपति व्रत करते हैं और उस दौरान यदि महिलाएं पशुपति व्रत करती हैं तो उस दौरान उन्हें पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डाउट में रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि दीदी, यदि पीरियड्स आ जाए तो व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सुबह की पूजा यदि हमने कर ली है, उसके बाद पीरियड आता है, तो क्या शाम की पूजा भोग प्रसाद किसी से बनवा सकते हैं या पूजा किसी और से करवा सकते हैं? अन्य प्रश्न थे कि थाली का क्या करें यदि सुबह की पूजा के बाद पीरियड आ जाता है, और यदि शाम की पूजा करने के बाद पीरियड आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके उन्हीं समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, पर वीडियो को ध्यान से सुना करें, क्योंकि जब आप प्रश्न करते हैं उसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर होता है। तो कई बार मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देखिए नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, तो कई बार मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ। और वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी के कमेंट्स के उत्तर देने की, तो यदि नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए कृपा कर मुझे क्षमा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमेशा आता रहता है वो ये है कि यदि पीरियड्स आ जाए तब व्रत रखना है या नहीं रखना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका पीरियड आ गया है तब आपको व्रत रखना होता है, परंतु वह व्रत गिना नहीं जाता। अर्थात आपका व्रत कौन से गिने जाएंगे? जिन व्रतों में आप मंदिर गए हो, आपने 5 व्रत में मंदिर जाकर पूजन किया है, ठीक है, पीरियड वाला व्रत आपको गिनना नहीं है, वो माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 व्रत पूर्ण करने होते हैं और 5वें व्रत की शाम को आपको ध्यापन करना होता है। तो पीरियड वाला व्रत सबसे पहला बता रही हूँ मैं, गिना नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आपने सुबह की पूजा कर ली है, थाली लगा ली है आपने, और आपका शाम के समय में पीरियड आ जाता है, तब सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होते हैं, क्या दीदी हम पति से पूजा करा लें या अपनी बहन से पूजा करा लें या मम्मी से पूजा करा लें, प्रसाद वगैरह उनसे ही बनवा लें क्या? तो देखिए, यदि आपका पीरियड आ गया है, आपने सुबह की पूजा कर ली है, तो शाम को पूजा आपको ही करनी होती है, आप पूजा किसी और से नहीं करवा सकते हो। तो जब आपका पीरियड आ गया है तो आप सवाल ही नहीं उठता कि आप पूजा खुद से करने जाएंगे, तो इसलिए कुछ भी प्रसाद वगैरह आपको बनाना करना नहीं है और यह व्रत आपका गिना नहीं जाएगा, क्योंकि सुबह पीरियड आ गया और शाम के समय की पूजा आपकी नहीं हुई है, क्योंकि इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय की पूजा का महत्व माना गया है, दोनों समय आपको मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी होती है। तो प्रश्न ही नहीं उठता, जब प्रसाद आप नहीं बना पाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे, तो यह व्रत आपका मान्य सुबह का नहीं होगा, तो प्रसाद इसलिए किसी और से बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा प्रश्न जो बार बार आता है वो यह है कि सुबह मैं पूजा करके आई मंदिर से, और दीदी मैं घर आई, मैंने मतलब अपनी थाली वगैरह रखी, उसके बाद दिन में मेरा पीरियड आ गया, अब मैं क्या करूं? तो देखिए, पूजा तो आपको शाम की करनी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अब उस थाली को जो आपने थाली सजाई है, क्योंकि सुबह ही हम एक बार सामग्री रखते हैं पूजा की, उसी सामग्री को हम शाम को प्रयोग करते हैं, तब शाम को पूजा करने नहीं जाना, तो उस सामग्री का क्या करेंगे? आप अपने घर के किसी भी अन्य सदस्य से उस पूरी सामग्री को इकट्ठा करके या तो आप मंदिर में ही रखवा दीजिएगा, जहाँ पर फूल ठंडे करे जाते हैं। अब एक मेरे पास कमेंट ये भी आया था कि दीदी ठंडा करना क्या होता है? तो जहाँ पर भी हम पुराने बासे जो पुष्प होते हैं भगवान को चढ़े हुए, जो सामग्री होती है जिसे हम जल में विसर्जित करते हैं, उसी को ही बोलते हैं ठंडा करना। तो जो भी आपकी सामग्री निकली है शाम की पूजा के लिए, क्योंकि अब आपको पूजा नहीं करनी, तो सामग्री का आप क्या करोगे? तो इस तरह से उस सामग्री को इकट्ठा करके आप घर के मंदिर में रख दीजिए, या तो ठंडा करने के लिए, या आप जहाँ पूजा करने जाते हो आप उस मंदिर में भी रखवा सकते हो। और एक क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आता है वो यह है कि शाम की पूजा के बाद यदि पीरियड आ जाए तब क्या करना है? क्योंकि देखिए, आप सुबह की पूजा भी करके आ गए, आपने शाम की पूजा भी कर ली, अब यदि पीरियड आ रहा है आपका, तो व्रत देखिए आपका मान्य होता है, क्योंकि इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय की पूजा मान्य होती है। तो आपने पूजा कर दी, आप घर पर आ गए अपने। अब एक क्वेश्चन ये था कि दीदी, जब हम घर आ जाते हैं मान लो, तब पीरियड आ जाए और हमने खाना नहीं खाया, प्रसाद ग्रहण नहीं करा है, तब हमें क्या करना है? तो देखिए, केवल आपने शाम की पूजा करी, आप अपने घर पर आ गए, जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तब किसी से भी बोल दीजिए वो थाली में से उठा के आपको प्रसाद दे दे, क्योंकि पूजा की थाली को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो आप अपना प्रसाद ग्रहण करें, अपना भोजन करें, आपका व्रत मान्य होगा, परंतु पूजा की थाली को भूल से भी हाथ मत लगाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब भी आप मंदिर से पूजन करके आते हैं, थाली शाम के समय भी जो आपकी थाली होती है उसे अगले ही दिन धोया जाता है।
तो जो भी अगर आपकी थाली धो रहा है उसको बोलिए अगले दिन मेरी थाली को धो दें आप, ठीक है। तो बस यही सारे जो कमेंट्स थे आपके, जो भी बार बार आते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके उन कमेंट्स का उत्तर देने का। अब एक चीज़ में बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि जब आपका एक व्रत छूट जाता है पीरियड के दौरान, तब व्रत वही गिने जाते हैं जब आप मंदिर गए हो। तो हमेशा यही कंफ्यूजन के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि दीदी फिर उद्यापन हम कब करेंगे, तो जब आपके 5 व्रत पूरे हो जाए जिसमें आप मंदिर गए हो, छठे में आप उद्यापन कर दीजिएगा। बस अभी भी यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की, देखिए वैसे तो पूरी कोशिश करती हूँ पर कई बार मैं उत्तर नहीं दे पाती, उसके लिए क्षमा करें। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जानकारी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।